नमस्कार, मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग 6 क्वार्ट केबल के कंस्ट्रक्शंस और क्वाड और उसमें जो क्वाड हैं उस पर कौन कौन सी सर्किट चलती हैं, चैनल एलोकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये 6 क्वार्ट केबल है, तो 6 क्वार्ट केबल पे जो ये बाहरी आउटर मोस्ट जैकेट है यह पीवीसी की है। तो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, और इसको जब हमने रिमूव किया, हटाया ऊपर से, तो हमने देखा कि इसके जो नीचे जो डबल लेयर्स जो है जीआई आर्मर्स है, और जीआई आर्मर्स जो है इसको प्रोटेक्शन मजबूती देने के लिए दिया गया है यहाँ पे। प्लस जो है यह स्टेशन पे जो हमारी डीपी लगती है वहाँ इस आर्मर को अर्थ किया जाता है। तो ये गैल्वेनाइज आयरन होता है। गैल्वेनाइज आयरन का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है। दूसरी, जब इस गैल्वेनाइज आयरन को हमने हटाया ऊपर से, तो हमको नीचे जो है इसके मिडिल पीवीसी जैकेट दिखाई दे रही है। यह मिडिल पीवीसी जैकेट है, और मिडिल पीवीसी जैकेट को जब हमने रिमूव किया तो हमें इसके नीचे जो है कार्टन टेप जो आप देख रहे हैं येलो कलर का है, कार्टन टेप मिलेगा, और कार्टन टेप के नीचे जो है यह एल्युमिनियम शीट मिलेगी। एल्युमिनियम शीट है का प्रयोग है इसलिए किया गया है कि जो इंड्यूस वोल्टेज है ओवरहेड लाइन का जिसमें हमारी ट्रेन ऑपरेट होती है उससे बचने के लिए, क्योंकि जो ये मेन केबल के रूप में प्रयोग की जाती है। मेन केबल का मतलब होता है जो केबल ब्लॉक सेक्शन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डाली जा रही है उसे मेन केबल कहते हैं। तो मेन केबल में जो है एल्युमिनियम शीट का हम प्रयोग करते हैं, और एल्युमिनियम शीट का जो स्क्रीनिंग फैक्टर होता है 0.1 होता है इन कंपेरिजन टू लेड शीट। तो लेड शीट का जो प्रयोग करते हैं हम करते हैं डेरिवेशन केबल के रूप में, क्योंकि डेरिवेशन केबल हमारी जो ओवरहेड लाइन है 25,000 वोल्ट की उसके पैरेलल में नहीं जाती। इसके जो नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का यह इनर पीवीसी जैकेट है, और इनर पीवीसी जैकेट जो है को जब हटाएंगे तो इसके नीचे हमें एल्युमिनियम फॉयल मिलेगा। एल्युमिनियम फॉयल जो है, और एल्युमिनियम फॉयल को हटाने के बाद जो हमारी है यह क्वाड दिखाई देगी। तो इसमें जो पहला क्वाड है, जो पहला क्वाड है ये ऑरेंज कलर का क्वाड है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस क्वाड में जो तीन वायर्स हैं सभी क्वाडों में कॉमन है। कौन कौन से वायर कॉमन हैं, वो हैं व्हाइट, रेड एंड स्लेट, और एक वायर जो है सभी क्वाडों में डिफरेंट कलर का है। जैसे इसमें पहले क्वाड में ऑरेंज कलर का है, दूसरा जो क्वाड है ब्लू है, तीसरा जो है ब्राउन है, चौथा जो है आपका ग्रीन है, और जो पांचवा क्वाड है आपका येलो है, और छह नंबर का जो क्वाड है वो ब्लैक क्वाड है। तो अब बारी बारी से इन क्वाडों के हम अध्ययन करते हैं। तो पहला जो क्वाड है ये ब्राउन क्वाड है। अब ब्राउन क्वाड में नंबर ऑफ वायर्स जो होते हैं चार होते हैं, क्वाड का मतलब 1-4-2 पेयर से या नंबर ऑफ 4 वायर्स। और इस क्वाड पे जो इस जो क्वाड केबल है 6 क्वाड केबल या दो कंडीशंस में हमारी सेक्शंस में डाली जाती है। एक जो डाली जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में, और जहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं है वहां भी इस पे हमारे सर्किट्स चलते हैं। तो हमें समझना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में इस पे क्या सर्किट चलेगी और बिना ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस पे क्या सर्किट चलेगी। तो पहले हम देखते हैं जो ऑरेंज क्वाड है ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में, तो उस पे जो है ब्लैक सर्किट चलेगी और ओएफसी के साथ में, और बिना ओएफसी के साथ में भी इस पे जो है ब्लैक सर्किट चलेगी।
दूसरा जो क्वाड है ब्लू क्वाड, ब्लू क्वाड पे हम देखें तो ओएफसी के साथ में यह जो है स्पेयर रहेगा ब्लैक सर्किट के लिए, लेकिन जहां ओएफसी नहीं डाली गई है वहां हमारी मजबूरी है कि सेक्शन कंट्रोल को हमें किस पे चलाना है, क्वाड केबल पे। तो क्वाड केबल पर चलाना है तो यहां पे बिना ओएफसी के साथ में ब्लू क्वाड पे सेक्शन कंट्रोल चलेगा। इसके बाद जो है ब्राउन क्वाड है, ब्राउन क्वाड पे दोनों जगह ओएफसी के बिना और ओएफसी के साथ में दोनों जगह जो चलेगा इमरजेंसी कंट्रोल चलेगा। हमारे सेक्शन में प्रत्येक किलोमीटर पे इमरजेंसी सॉकेट्स होती है, उसमें इसे कनेक्ट किया जाएगा। तो सभी इमरजेंसी सॉकेट पैरेलल्स में होती हैं सेक्शंस में। इसके बाद जो है आपका ये जो है आपका ग्रीन क्वाड है, और ग्रीन क्वाड जो है इसमें क्या है कि ओएफसी के साथ में ग्रीन वाइट पे जो चलेगा एलसी गेट चलेगा, और रेड सेलेक्ट पे क्या चलेगा बीपीएससी चलेगा। तो बीपीएससी का पूरा नाम क्या होता है, ब्लैक रूबी एक्सल काउंटर, और एलसी का पूरा नाम क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग गेट। और बिना ओएफसी के साथ में इसका उल्टा हो जाएगा, जो आपका ग्रीन और व्हाइट है वहां जो चलेगा बीपीएससी चलेगा और रेड सेलेक्ट पे एलसी गेट चलेगा। अब पांचवा नंबर का क्वाड जो आ गया आपका येलो क्वाड आ गया, और येलो क्वाड पे जो चलेगी दोनों जगह ब्लैक रूबिंग एक्सल काउंटर चलेगी, ओएफसी के साथ में और ओएफसी के बिना भी। इसके बाद जो है छह नंबर का क्वाड जो है ब्लैक क्वाड है, और ब्लैक क्वाड में जो दोनों जगह चलेगा वो TAWS ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग सिस्टम, मतलब आप देखते होंगे जो एलसी गेट पे इंडिकेशन लगा होता है जब ट्रेन आती है, और उस समय जो है वहाँ पे क्या बजता है, बजर बजता है, घंटी बजती है। तो इसको ट्रेन वार्निंग एक्चुएटर सिस्टम के लिए यह क्वाड जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी इसके बीच में देख रहे हैं ये स्ट्रेन मेंबर है, और इसको मजबूती जो क्वाड है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, इसमें डाली हुई है। इसके बाद बाकी इसमें इतना ही, धन्यवाद।